वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल गोल अचीवर। मैं राम कुमार कान आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी बन के आ रही है फ्रेंड्स। जी हां दोस्तों, 14,033 वैकेंसीज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जारी किया गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा। जूनियर इंजीनियर DMS और CMA के पोस्ट जारी किए गए हैं। 14,033 वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। 2 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट हो रही है, जो 31 जनवरी शाम 5 बजे तक अप्लाई होगा फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जूनियर इंजीनियर के 13,034 पोस्ट जारी किए गए हैं, और जूनियर इंजीनियर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के हैं वो 49, DMS के 456 और CMA के 494 पोस्ट जारी किए गए हैं। तो जूनियर इंजीनियर के लिए BTech की डिग्री होना ज़रूरी है, और BSc विद फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनका है वो केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और BTech वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर आ रही है। तो आप लोग अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो किसी भी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जैसे बेंगलोर www.rrbbnc.government.in पे जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। आप लोग जल्द से जल्द 2 जनवरी से आप लोग फॉर्म भर दें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। काफ़ी इजी होता है एग्ज़ाम, तो और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आप लोग के पास सबसे पहले लेके आऊँगा। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर